क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक माजर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इतवार को कराची में उर्दू बोलने वालों के गढ़ लियाकताबाद यानी लालू खेत में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे ने एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों धड़ों में एक रद्द अमल की फजा पैदा कर दी है। परसों बिलावल भुट्टो ने जलसे में एमक्यूएम को लताड़ा था। गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम वालों ने पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी है। एमक्यूएम के दोनों गढ़ जिसमें कि एमक्यूएम पीआईबी के कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार हैं और एमक्यूएम हैदराबाद के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब इन्होंने वादा किया है कि फारूक सत्तार कहते हैं वो जुमे को उसी मकाम पर जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यानी कि लियाकताबाद टंकी का इलाका वहाँ पर जलसा करेंगे, और हफ्ते को एमक्यूएम बहादराबाद भी उसी मकाम पर जलसा करेगा। गोया के बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे के एमक्यूएम पाकिस्तान दो जवाबी जलसे करेगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कि उन्होंने कल आकर एमक्यूएम पाकिस्तान की कैंपेन का आगाज किया है और उन्होंने पूरे इलाके में एक एक महाजिर और एक एक मजलूम को इस बात के लिए तैयार कर दिया है कि उनकी जलसी के मुकाबले में एमक्यूएम का 4 मई बरोज जुमा शाम 4 बजे होने वाला जलसा एमक्यूएम के चंद बड़े जलसों में से एक जलसा होगा। आपने वादा किया था रोटी और कपड़ा और मकान का, आपने दी गोली कफन कब्रिस्तान। आपकी बीवी इस गोली और कब्रिस्तान कराची में जगह जगह आबाद। आप बात करने आए बानिया ने पाकिस्तान के शहर में, जितने अरसे आप रहे हैं आपने ज़मीनों पे कब्जे तो किए हैं, इस शहर को इमारतें नहीं दे सके आप, कब्रिस्तान दिए हैं आप। आप आए तो आपने क्या किया? आपने महाजरों से उनके कारखाने, बैंक, कर्जा देने वाले इदारे, तालीमी इदारे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल छीने हैं और सनतकारों की बनाई हुई सनतों को भी जागीरदारों के हवाले किया है। परसों बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में जलसा तो किया और कहा कि मैं कराची का बेटा हूं, आपका दुख मेरा दुख है, लेकिन जिस चीज़ का उन्होंने जिक्र नहीं किया वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो की पार्टी 10 साल से सिंध में इकतदार में है और इस 10 साल के दौरान सिंध के दारुलहुकूमत कराची का जो हशर हुआ है, अंदरून सिंध जो हशर हुआ है, उसकी कोई ज़िम्मेदारी उन्होंने कबूल नहीं की, अपनी जमात की कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानी जानते हैं कि कराची की बदतरीन कैफियत है इस वक्त, है चाहे कूड़ों के ढेर हों, चाहे टूटी हुई सड़कें हों, इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस हवाले से झूठे वादे और वो तमाम मामला जिसने कराची को एक बदतरीन शहर में कन्वर्ट कर दिया है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसकी किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी को मुस्तकबिल के हवाले से, उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे तो कराची की किस्मत बदल दूंगा। ये उन्होंने कहा कि अब अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं बदल दूंगा, मुफ्त इलाज दूंगा, रोज़गार दूंगा और सहूलियतें दूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब की बार अपने मैंडेट को अगवा नहीं होने देना वरना आइंदा 30 साल तक तुम्हारी नस्लें भी इसी अजाब से गुजरेंगी जिससे तुम गुजर रहे हो। गोया के अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया तो 30 साल मजीद उसी सूरत हाल से गुजरोगे जिससे पिछले 10 सालों में गुजरे हो। मैं कराची का बेटा हूं, आपका दुख मेरा दुख है, आपका खुशी मेरी खुशी है, मुझे आपका वोट चाहिए। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं शहर की किस्मत बदल दूंगा, मैं कराची की रोशनियां बहाल करूंगा, मैं यहां मुफ्त तालीम दूंगा, मैं कराची में
کراچی میں فن کو فروغ دوں گا، میں یہاں مفت اور معیاری علاج دوں گا، میں یہاں صنعتیں بحال کروں گا، میں یہاں روزگار دوں گا، میں کراچی کی پیاس بجھاؤں گا۔ کراچی والوں، اب کی بار اپنے مینڈیٹ کو افواہ مت ہونے دینا، ورنہ اگلی 30 سالوں تک تمہاری نسلیں اسی عذاب سے گزرے گی جس سے تم گزرے ہو۔ یہ وارننگ تھی جو بلال بھٹو نے دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کراچی میں امن کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے رینجرز آپریشن کے بدلے، اس کا ذکر کرنا تو ضروری سمجھا، اس کا کریڈٹ لینا ضروری سمجھا، مگر اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس دوران کتنی بار ان کی پارٹی کی، ان کی جماعت کی رینجرز کے ساتھ چپکلشیں ہوئی ہیں، رینجرز کے خلاف ان کی جماعت نے، ان کے چیف منسٹرز نے، ان کے منسٹرز نے کس انداز کی پوزیشن رکھی ہے، ان کی پارٹی نے سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے رینجرز کو محدود کرنے کے لیے کتنی قراردادیں پیش کی ہیں، اس سب کا ذکر، کسی چیز کا ذکر بلال بھٹو زرداری نے نہیں کیا اپنی تقریر میں، کیا تو صرف اس بات کا کہ وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ کراچی میں امن ان کی پارٹی نے بحال کرایا۔ اگر کراچی آپریشن سے شہر میں امن قائم ہوا ہے تو اس آپریشن کے کپتان سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب امن قائم ہو گیا تو ہر کوئی فتح کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے کراچی میں امن کے لیے گینگ سے لے کر ملٹنٹ ونگز اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ بلال بھٹو کے ان دعووں کے برعکس یہ کون نہیں جانتا کہ کراچی میں رینجرز آپریشن سے پہلے شہر میں قتل و غارت گری کی کیا صورتحال تھی۔ گو کہ بلاول نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ ایک ایک دن میں اندازاً 25 افراد کی ٹارگٹ کلنگ معمول کا عمل تھا، اس وقت پیپلز پارٹی کی ہی حکومت تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کو شاید یاد نہ ہو کہ 2013 میں کراچی میں 2507 افراد ٹارگٹ کلنگ میں ان کی قتل ہوا تھا۔ یہ ٹارگٹڈ کلنگ کے 2500 وکٹم تھے ان کی حکومت کے دور میں، اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہر مہینے تقریباً 210 افراد ٹارگٹڈ کلنگ کا نشانہ بنتے تھے، اور یہ صرف 2013 کی فگرز ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا شباب تھا، مرکز میں بھی اور صوبے میں بھی، لیکن بلال بھٹو زرداری نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کی جو صورت حال ہے، کراچی کی جو اس وقت کیفیت ہے، شہری سہولتوں کی جو کیفیت ہے، شہر کراچی جو ہے وہ اس کی کیفیت پوری دنیا میں اس کی پہچان ہو گئی ہے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے لحاظ سے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونا، پانی نہ ہونا، سیوریج نہ ہونا، اس کا کوئی ذکر بلال بھٹو زرداری کی تقریر میں موجود نہیں تھا۔ کراچی کی کیفیت کیا ہے اور اس کا کیا کچھ تھا جو پیپلز پارٹی کی حکومت 10 سال میں کراچی کے لیے کر سکتی تھی، آسانی سے کر سکتی تھی، اس نے نہیں کیا، یہ سب کچھ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فہیم زمان خان جو کہ ایکس ایڈمنسٹریٹر ہیں، سابق ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، اور کراچی کے بہت اہم ایڈوکیٹ ہیں، سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہیم صاحب، تقریر بڑی زبردست کی بلاول صاحب نے، لیکن کراچی میں جو اس وقت کراچی کی کیفیت ہے، جو صورت حال ہے، یہ اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیا ہم اسے اعتراف ناکامی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پی 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 ہو، عمران خان صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، بنیادی طور پہ تو الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہاں تک کراچی سے وفاداری کی بات ہے تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹینیور میں، کیا پچھلے ٹینیور میں بھی پیپلز پارٹی نے کوئی پیپلز کراچی کے ساتھ کوئی بہت وفاداری دکھائی نہیں۔ ہاں، ایم کیو ایم کو دھڑوں میں بانٹا گیا، حصے بکرے کیے گئے، جس کے لیے ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں، مگر ساری کوشش جو ہے وہ کراچی کو سیاسی طور پہ ڈسام کرنے کی رہی ہے۔ آپ سینسس دیکھ لیجئے، کراچی کی آبادی کو جس بدردی سے کم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو آبادی آپ نے کوئی 16 ملین کی نکالی بھی تو اس کو آپ نے ملیر اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پھیلا دیا، آپ نے ساؤتھ کو چھوٹا کر دیا، یعنی آپ کتنی جگہوں پہ آپ دیکھیے، اگر آپ جو سب ڈویژنز ہیں کراچی کی، وہ 1998 سے 2017 یعنی 19 سال میں بڑھنے کی جگہ کم ہو گئی، آرام باغ میں، صدر میں۔
तो जहाँ तक उसके ऊपर कुछ एमक्यूएम के ग्रुप्स ने शोरवोर मचाया, लाजमत है उनका कोई उस पर वो नहीं था, मगर पीपल्स पार्टी ने भी अलावा एक मामूली सी वो करने के अलावा कोई मुदाफियत कोई कुछ नहीं किया। तो ये समझना कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या एमक्यूएम की लीडरशिप या किसी और पार्टी की लीडरशिप जो है वो कराची से किसी कस्म की हमदर्दी या खलूस रखती है, तो वो मैं उसको हिमाकत समझूंगा। 10 साल में जो पिछले 10 साल है इसमें शहरी सहूलतों के लिहाज से कराची का सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है जिसको आप कहेंगे कि ये तो तबाही हो गई कराची के साथ? इनमें एक लंबी लिस्ट है, 1977 से लेके आज तक हाइट रेजेंसी का होटल का स्ट्रक्चर जो है अधूरा पड़ा है, पीआईडीसी और ये पीसी होटल के सामने अधूरा पड़ा है, पड़ा रहेगा और मेरे ख्याल में 20 साल पड़ जाएगा। उससे जो फवायद हासिल हो सकते थे, हम 1977 से कितनी हकूमतें आई चली गईं, उन्होंने नहीं किए। इसी तरह से जो अधूरे मंसूबे हैं उनके जो फवायद हो सकते थे अगर उनको वक्त के ऊपर कंप्लीट किया जाता, उनको अगर वो दी जाती तो वो बहुत, मगर अगर वो ना भी हो, अगर चीज़ें कंप्लीट नहीं भी होती, मगर जो नुकसान पीपल्स पार्टी का रवैया रहा है लोकल गवर्नमेंट की तरफ, बल्दियाती इदारों की तरफ, उसका नुकसान जो है आने वाले 20 साल तक कराची के लोगों को भुगतना पड़ेगा। आपके ख्याल में अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए इस वक्त कराची को, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? देखिए, सबसे पहला तो जो मेरे नज़दीक है वो है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट का। आपके ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, ये जो आप मंसूबे बना के बैठे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को, लोग अपना ज़िंदगी रोज़गार तो किसी ना किसी गुजार लेते हैं, मगर उनको शहर में जो सफ़र करने के साथ शदीद अजियत है। दूसरी चीज़ मेरे नज़दीक वो पानी है। पानी बहुत बड़ा मसला है इस शहर का। आप कच्ची आबादियों को फैलने की इजाज़त दे रहे हो, मुसलसल इजाज़त दे रहे हो, बैरून शहर लोगों को यहाँ पर बसने की इजाज़त दे रहे हो, मगर जो लोग यहाँ रहते हैं उनका पानी मज़ीद उनका शेयर कम होता जा रहा है। इस तरह से शहर चल नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब फहीम जमान खान हमारे साथ मौजूद थे। कमर से ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे, यौम मई है, गुफ्तगू तो बहुत होती है, रिवायती बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के मज़दूरों की बहुत ही इस वक्त कड़ी सूरत हाल है, बहुत ही संगीन कैफियत है जिससे वो गुजर रहे हैं। ये 6-7 करोड़ लोगों की बातें हैं, वो आज किस दौर से गुजर रहे हैं हम आपको दिखाएंगे छोटे से वक्फे के बाद। हर साल की तरह आज आम तातील है क्योंकि यौम मई है, लेबर डे है, और आज सबसे अहम चीज़ तो लोगों के लिए होती है कि आम तातील है। लोग भूल जाते हैं कि ये दरअसल आज का दिन मुंसलिक है मजदूरों की फलाह बहबूद और उनकी तर्ज ज़िंदगी, उनके हालात के हवाले से और उसमें बेहतरी की तजवीज़ें के लिए। लेकिन इसके लिए, इस दिन के लिए मुख्तस है छुट्टी और उसके बाद सेमिनार, कुछ तकरीबात, कुछ तकरीरें, और उसके बाद अफसोसनाक पहलू ये है कि जैसे ही छुट्टी गुजरती है लोग भूल जाते हैं कि ये छुट्टी उन्होंने क्यों की और ये यौम मई की वजह क्या थी। हाथ पांव भी बताते हैं कि मजदूर हूं मैं, पर मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूं मैं। फख्र करता हूं कि खाता हूं फकत रिज़्क़ हलाल, अपनी इस सिफते कलंदर पे तो मगरूर हूं मैं। सारा साल मेरा कट जाता है गुमनामी में, बस यक मई को लगता है कि मशहूर हूं मैं। अपने बच्चों को बचा सकता नहीं फाकों से, उनको तालीम दिलाने से भी माजूर हूं मैं। यौम मजदूर है, छुट्टी है, मेरा फाका है, फिर भी ये दिन तो मनाऊंगा कि मजदूर हूं मैं।
پہلے روایت ہوا کرتی تھی کہ پاکستان کے سیاسی قائدین، سیاسی رہنما اپنی تقاریر میں، عوامی جلسوں میں مزدوروں کے حوالے سے کم از کم باتیں ضرور کرتے تھے، ان کے مسائل کے حوالے سے باتیں کرتے تھے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی تجویزیں دیتے تھے، وعدے وعید کرتے تھے، لیکن وہ دور بھی گزر گیا۔ شاید ہی کبھی کبھار کسی سیاسی قائد کی کسی تقریر میں آپ لفظ مزدور سنیں گے۔ حالانکہ پاکستان لیبر فورس کے تازہ ترین سروے کے مطابق ملک میں 6,10,00,000 افراد محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ہماری آبادی کا 1/4 سے زیادہ حصہ مزدور ہے، جن میں 4.5 crore مرد ہیں، تقریباً 1.5 crore خواتین شامل ہیں، جبکہ 1,500,000 سے زائد بچے ہیں ہمارے جو کہ مزدور ہیں۔ ان کو چائلڈ لیبر کہا جاتا ہے اور ان کو تو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں 2,000,000 سے زائد افراد سے جبری مشقت بھی لی جاتی ہے، اور ان محنت کشوں کے تو ماہانہ تنخواہ یا یومیہ اجرت تک طے نہیں ہوتی، بلکہ صرف 2 وقت کی روٹی ان کی محنت کا صلہ ہوتا ہے۔ اور یہ جبری مزدور آپ کو ایک گھر سے لے کے، ایک کارخانے سے لے کے، ایک دکان سے، ایک ٹھیلے تک پہ آپ کو مل جائیں گے، اور اس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ لیبر فورس کے سروے کے مطابق پاکستان میں 6 crore محنت کشوں میں صرف 4 crore سے زائد افراد دیہی علاقوں میں رہتے ہیں، اور انہیں اپنے قانونی حقوق کا کوئی علم نہیں ہے۔ شہروں میں رہنے والوں کو بھی نہیں پتہ کہ ان کے لیگل رائٹس کیا ہیں، اور یہ اس کا ہوتا ہے سب سے زیادہ استحصال، انہی مزدوروں کے ساتھ ہوتا ہے سب سے زیادہ ظلم، کیونکہ انہیں کم سے کم مقررہ ماہانہ تنخواہ نہیں ملتی، سوشل سیکیورٹی اور پینشن وغیرہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی مراعات ان کو ملیں گی۔ پاکستان میں بے شمار محنت کش آگ لگنے کے واقعات اور دیگر صنعتی سائنیات میں اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں۔ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری ہو، لاہور کی سندر اسٹریٹ فیکٹری ہو، گڈیانی بریکنگ یارڈ کے سانحات ہوں، یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، مگر صرف جو واقعات میڈیا میں اجاگر ہوتے ہیں انہیں مزدوروں کے لواحقین کی مالی امداد ان کے ذریعے ہو جاتی ہے، جبکہ سینکڑوں مزدور، ہزاروں مزدور ایسے ہیں جو کام کے دوران گمنامی کی موت میں مر جاتے ہیں، ان کے ورثہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور کسی قسم کی کوئی ریلیف ان کو اویلیبل نہیں ہوتی۔ یہ مسائل اس وقت مزید گھمبیر ہو جاتے ہیں جب عام مزدوروں کے پاس قومی سطح پر اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کوئی مستند پلیٹ فارم نہیں ہوتا، اور سیاسی جماعتیں اور بائیں بازو کی تنظیموں صرف 1 مئی کی اعلان کے دن کچھ باتیں کرتے ہیں، روایتی نعرے اور دعوے سامنے لاتے ہیں، اور پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ یہ انتہائی مشکل صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں آج کے دن کے لحاظ سے۔ ہم نے دعوت دی ہے منظوروں کے مسائل سے منسلک بہت اہم ہماری شخصیت ہیں، جناب کرامت علی، جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں پائلر کے، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ریسرچ ہے، ایک ادارہ ہے جو مزدوروں کی بہبود سے منسلک ہے۔ بہت بہت شکریہ کرامت علی صاحب۔ اس وقت جو ہمارے یہ 5-6 crore لوگ جن کو کہ ہم مزدور کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں، ان کے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑا کلیدی مسئلہ ہمارے مزدوروں کا کیا ہے؟ جی، میں 2 بڑے مسئلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جاب انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے۔ پہلے تھوڑا فرق ہوا کرتا تھا، جو لارج اسکیل جو ہے ورک پلیسز ہوتی تھیں اور اسمال اسکیل جن کو ہم فارمل انفارمل کہتے تھے، اب وہ فرق بالکل مٹ گیا ہے۔ تو یہ مثال آپ کو دوں میں، جو بلدیہ فیکٹری کا جہاں آگ لگی تھی جس میں 269 ورکرز کی جانیں گئیں، 1500 سے زیادہ ورکر کام کرتے تھے، لیکن سوشل سیکیورٹی کے ادارے میں صرف 250 کے قریب رجسٹر۔ گویا کہ یہ جو آپ نے ایک ایگزامپل دی جو بلدیہ فیکٹری کی ہے، یہ پاکستان کی صنعتوں میں مزدوروں کی یہی کیفیت ہے کہ ایک بہت چھوٹا سا فریکشن باقاعدہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور ایک بڑی کثرت جو ہوتی ہے وہ کسی کانٹریکٹر کے ذریعے اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اور وہ قانوناً اس فیکٹری کے ملازم نہیں ہوتے، وہ اس کانٹریکٹر کے ملازم ہوتے، ان کو کوئی حق اور کوئی رائٹ کچھ نہیں اویلیبل ہوتا۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، سرکاری اعداد و شمار جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ 6 crore سے زیادہ جو ہے وہ ورک فورس ہے ہماری، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 73% جو ہے وہ انفارمل طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں قانون سازی ہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ بھائی اس کو باقاعدہ ملازم رکھو، اس کے سارے حقوق دو، سوشل سیکیورٹی میں رجسٹر کرو، اس کو تمام چیزیں دو، کیا اس میں قوانین ہیں؟ ہمارا جو قانون ہے، ایک ہمارا قانون ہے جس کو کہتے ہیں انڈسٹریل کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس 1968، اس میں کیٹیگریز دی ہیں کہ امپلائمنٹ کی کیٹیگریز کیا ہیں، ورکر کس طرح سے امپلائمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے۔ جو پرماننٹ نیچر کے جاب ہوتے ہیں ان میں کسی کو ٹیمپریری بنیادوں پہ نہیں رکھا جا سکتا، 3 مہینے کام کیا تو ان کو
परमानेंट करना पड़ता है, प्रोबेशन पीरियड होता है लेकिन उसके बाद परमानेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो काम स्ट्रेच करता है 9 महीने, उसके बाद कतन आप उन्हें आर्जी बुनियादों पे नहीं रख सकते। इसलिए उसमें ठेकेदारी के ज़रिए भी नहीं रख सकते, इसमें कोर्ट्स के जजमेंट आए हुए हैं। बहुत पहले सिंध हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम परमानेंट नेचर के जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट ये इलीगल है। अभी पिछले साल 2 बड़े जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, एक नेशनल बैंक के हवाले से है, एक PSO के, जिसमें उन्होंने 10 शिकें अब हमारे 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की दी हैं, एक बेंच को चीफ जस्टिस साहब हेड कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में है। अच्छा, ये जब रखे जाते हैं लोग ठेकेदार के ज़रिए और कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाते हैं, तो जो जो मालिक है उसको, वो कहता है कि हमें सबसे बड़ा सुकून ये है कि अगर एक मज़दूर अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो हम उसको निकाल सकते हैं। जब एक मुस्तकिल मुलाजिम हो जाता है तो वो हम चाहे करे ना करे मगर उसका पूरा बोझ हम पे होता है, जो कि अनफेयर प्रैक्टिस है। और उसका और जब यूनियनाइज हम कर देते हैं तो वो अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत फैल जाती हैं और जो मालिक है वो ब्लैकमेल होता है फिर मजदूरों के हाथे, और उसके एवज उसको काम भी नहीं मिलता है। देखिए, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मज़दूरों को इनसिक्योर सिचुएशन में आप रखते हैं तो उसका भी सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडस्ट्री या वर्क प्लेस के जो ओनर हैं उनको होता है। इनसिक्योर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी दुनिया भर में लो होती है, तो आप कैसे रखते हैं कि ये वर्कर रखना है तो वो चीप लेबर है, तो आप अपनी प्रॉफिट उसके ज़रिए बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्शन सफ़र करती है, आपकी क्वालिटी सफ़र करती है। अगर आप इस वक्त देख लें, सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल है, और साउथ एशिया में और भी 4 मुल्क हैं जो टेक्सटाइल में डील करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे लो है। और आपने सुना होगा कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन बारहा ये कह चुकी कि हम कारखाने बंद करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जो हैं वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो कम्पीट भी नहीं कर सकते, उनकी क्वालिटी भी लो है और उनकी प्रोडक्शन के पैटर्न भी अनसर्टन है, बिजली नहीं होती, गैस नहीं होती, उसके अलावा और चीज़ें भी। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये मेरे ख्याल में बेबुनियाद है। सिर्फ ये कि आप अगर कॉस्ट जो है वो कट करना चाहते हैं तो सबसे आसान है वेजेस में कमी कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया करामत अली साहब, आज के दिन के मुनासिबत से कम अज़ कम ये आगाही तो हम अपने आवाम को, अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं कि ये कैफियत है, जो कि यकीनन एक जुल्म का निज़ाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कमर शब रेक, जिसमें आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ रहा है और पिछले 15 साल से लड़ रहा है। मौजूदा फेज़ में ऑपरेशन रद्दुल्फसाद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग का एक बहुत ही अहम मरहला है, क्योंकि अब कामयाबी के असरात पूरे पाकिस्तान में नज़र आते हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में, दूसरे शहरों में अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर सूरत हाल उससे कहीं बेहतर है जब से 3 साल पहले, 5 साल पहले और 10 साल पहले थी। मगर ये असरात उस अंदाज से पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में नज़र नहीं आते, जैसा कि वो सिंध में नज़र आते हैं या पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में। बलूचिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, वहाँ पर दहशतगर्द मुसलसल एक्टिव नज़र आते हैं और इस पूरी सूरत हाल में बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल्फसाद या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के सम्राट पूरी तरह से नुमाया नहीं हुए हैं। मगर इसी पूरी सूरत हाल में एक और बहरान जन्म ले रहा है जिसकी आगाही शायद पाकिस्तानियों को है नहीं। वो ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में फ्रंट लाइन में सबसे अहम जो दस्ते हैं वो पुलिस के दस्ते हैं। बलूचिस्तान में पुलिस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही है और उसने पिछले कई सालों से लेके आज तक शायद सबसे ज़्यादा जानों का नजराना पेश किया है। उसके आला तरीन ऑफिसर से लेके आम सिपाही तक मुसलसल दहशतगर्दों के निशाने पर रहे हैं। सिर्फ इस महीने में 33 पुलिस अहलकार जाम शहादत बलूचिस्तान पुलिस के नोश कर चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल के बैकग्राउंड में ये बात भी है और एक बहरान है जिसका पाकिस्तान की कौमी सियासी क़यादत ने कभी जिक्र नहीं किया।
ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں بلوچستان پہ فوکس دیکھا، سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے، نئی حکومت بننے کے لحاظ سے، قدوس بزنجو کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اور صادق سدرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے کے لیے، لیکن جو بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت، وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو سب سے بڑی کردار ہے اس کا پولیس کا کردار ہے، اور پولیس کے جو حالات ہیں اس وقت وہ یقینی طور پر رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں، چشم کشا حالات ہیں۔ آپ کے شاید علم میں نہ ہو اور یہ حقائق ہے کہ بلوچستان میں اس وقت پولیس سروسز آف پاکستان یعنی پی ایس پی گروپ کے 119 افسران کی آسامیاں ویکنسیز موجود ہیں، لیکن صرف 69 افسران اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، یعنی کہ 60 آفیسرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشنز پہ وہاں پہ ہیں نہیں اور یہ ویکنسیز خالی پڑی ہیں۔ اسی طرح سے گریڈ 21 کے ایڈیشنل آئی جی کی 4 پوزیشنز ہیں، بلوچستان میں صرف 2 موجود ہیں۔ گریڈ 20 کے ڈی آئی جیز کی اس وقت بلوچستان میں 15 پوزیشنز ہیں، صرف 4 ڈی آئی جیز ہیں جو پراپر ڈی آئی جیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ 11 پولیس آفیسرز کی پوزیشنز خالی پڑی ہیں، ڈی آئی جیز نہیں ہیں۔ گریڈ 19 کے ایس ایس پی کی آسامیاں وہاں پہ 31 ہیں، جبکہ وہاں صرف 12 پولیس آفیسر تعینات ہیں اور 19 آفیسرز نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں ٹاپ ہیرارکی پولیس کی اس وقت موجود ہی نہیں ہے۔ گریڈ 18 کے مثال کے طور پہ ایس پی کی 68 آسامیاں، 68 آسامیاں موجود ہیں، 40 افسران موجود ہیں اور یہاں بھی 28 پولیس افسران موجود نہیں ہیں۔ میک شفٹ ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، جونیئر آفیسرز کو پروموٹ کر کے ان جگہوں پہ ایڈ ہاک چارجز دے کے رکھا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بحران ہے اس پولیس فورس کے لیے جس میں چار برس میں ڈی آئی جی، اے آئی جی، ایس ایس پی اور ایس پی عہدوں کے 4 افسران سمیت 340 پولیس اہلکار جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، خود کچھ حملوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ پوری صورتحال اس پولیس فورس کے لیے آپ سوچیں کہ جو اس انداز سے قربانیاں دے رہی ہے، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، جامع شہادت پہنچ کر رہی ہے، اور اس کے ایڈمنسٹریٹو سچویشن یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ آسامیاں خالی پڑی ہیں۔ پچھلے سال نومبر میں ڈی آئی جی حمید شکیل سمیت 3 پولیس اہلکار خود کش حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے جو قربانیوں کی مثال بلوچستان میں قائم کی ہے وہ شاید کہیں اور نہ ملے، یقیناً کے پی کے اس میں بہت اس کا بڑا کردار ہے، لیکن بلوچستان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ پوری صورتحال ہے، اور دوسری جانب وہ حقائق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن یہ تازہ ترین حقائق نہیں ہے۔ بلوچستان میں 2013 سے مسلسل پولیس سروس آف پاکستان کے آفیسرز کی کمی ہے، شدید فقدان ہے۔ پولیس آفیسرز کی موجودہ تعداد پچھلے پانچ سالوں میں سب سے کم ہے، گویا کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ سب سے بدترین ہے۔ پچھلے 5 سالوں کے دوران 2017 میں سب سے کم آفیسرز نے بلوچستان پولیس کو جوائن کیا، اور جو کہ 2014 کی جوائننگ کی تعداد سے 80% کم ہے۔ سی پی او کوئٹہ کی پولیس رپورٹ کے مطابق جو ہمارے پاس موجود ہے، بی ایس پی آفیسرز کی کسی صوبے میں تعیناتی کی اوسط مدت 2 سال ہونی چاہیے، لیکن بلوچستان میں آفیسرز کو 3.5 سال تعینات رہنا پڑتا ہے کیونکہ اویلیبل پولیس فورس نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کی پولیس فورس کے لیے جس نے اتنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنا کلیدی کردار ہے، اس میں اس انداز کا بحران کہ اس کے پاس آدھی سینئر پولیس کاڈر اویلیبل ہی نہیں ہے، یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، سنگین بحران ہے۔ اس میں وفاق نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے، صوبے نے اپنی آواز دی نہیں ہے، اور قومی سیاسی قیادت نے چاہے عمران خان ہوں، چاہے شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوں، چاہے آصف زرداری ہوں، اس معاملے پہ، اس انتہائی کلیدی معاملے پہ کبھی کوئی آواز اٹھائی نہیں ہے، کم از کم ہم تک وہ آواز نہیں پہنچی۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، کوئٹہ جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پولیس سروس کے ایک بہت ہی ہائیلی ریگارڈیڈ آفیسر ہیں، اس وقت لیڈ کر رہے ہیں بلوچستان
بلوچستان پولیس کو انسپیکٹر جنرل پولیس کی حیثیت سے ہمارے ساتھ ہیں جناب معظم جہ انصاری. بہت بہت شکریہ معظم صاحب. بڑی کرائسس سچویشن اوور آل ہے, کیسے کام چلتا ہے اس پولیس فورس کا جس کے آدھے پی ایس پی آفیسرز جو ویکنسیز ہیں وہ خالی پڑی ہیں, بلکہ آدھے سے زیادہ خالی پڑی ہیں. کامران بھائی بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے جو صورتحال بتائی آفیسرز کی شارٹیج کے حوالے سے وہ یقیناً ایک حقیقت ہے, اور اس میں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ بھی کی ہے, ان رائٹنگ ہم نے بھجوایا بھی ہے, اور آئی ایم شور کہ وہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اویلیبل آفیسرز کی لاٹ ہے اس سے ہم نے کام جس طریقے سے ہم لے رہے ہیں, 24 گھنٹے آفیسرز ہمارے آن روڈ ہیں یا پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجائز کر رہے ہیں, اور اس کی مدد سے میں سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں بھی ہمیں بہت حاصل ہوئی ہیں. پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے بہت سارے گینگ سمیش کیے, آج بھی ڈی اے جی سی ٹی ٹی کوئٹہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ ٹارگٹ کلرز, وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے بروری میں ہزارہ ٹاؤن میں ایک ٹینکر کو انہوں نے ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ذریعے انسٹال کیا اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کیا, جس میں 100 سے زیادہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے, وہ اس کو اریسٹ کیا آج ہی کی پریس کانفرنس میں. اسی گینگ نے جو ہے آئی جی پولیس کے گھر کے اوپر انہوں نے بمب ایکسپلوژن کیری آؤٹ کیا تھا, اس کے اندر بھی کوئی 1200 کے قریب کلو گرام مواد تھا جو کہ پھٹا اور جس نے بہت تباہی مچائی. اور اس کے علاوہ بی ایم سی میں ایک بہت بڑا آج سے 3-4 سال پہلے انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر بہت سارے معصوم شہری بھی شہید ہوئے, طالبات بھی شہید ہوئیں, اور اس کو بھی ٹریس کرنے میں بلوچستان پولیس نے اپنا کردار ادا کیا. آج سے کچھ ہفتے پہلے, 3 ہفتے پہلے چیف منسٹر نے اور ہوم منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی اسی طرح سے ایک گینگ کو ٹریس کرنے کے بعد یہ تو سکسس سٹوری ہے مان صاحب, یہ تو سکسس سٹوری ہے, مگر تھوڑا سا یہ سمجھائیں کہ وہ پولیس فورس جس کی ہائر لیولز پہ آپ کے پاس آدھے آفیسز اویلیبل نہیں, آدھی لیڈرشپ پوزیشنز آپ کی اویلیبل نہیں ہے, کام کیسے چلاتے ہیں آپ, کیسے کام چل رہا ہے؟ جی کام ایسے چل رہا ہے بنیادی طور پہ کہ اس وقت میرے پاس بلوچستان میں 34 ضلعے ہیں, 34 میں میرے پاس 22 SP نہیں ہیں, 22 ضلعوں میں SP نہیں ہیں, میں نے ان 22 ضلعوں میں DSPs کو چارج دے دیا ہے, نیچرلی میں نے کام چلانا ہے. کوئٹہ شہر کے اندر ڈی اے جی کوئٹہ کے پاس 14 SPs ہونے چاہیے جو کہ 4 ہمارے ڈویژنز ہیں, اور ہر ڈویژن کے اندر 4 SPs اور 4 SP انویسٹیگیشن ہونے چاہیے. ان 8 پوزیشنز کے اوپر میرے پاس صرف 1 SP ہے, باقی سب DSP سے کام چلا رہے ہیں. اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر ہمارے پاس 6 ڈویژنز ہیں 5 کوئٹہ کے علاوہ, ان 5 میں سے میرے پاس اس وقت صرف 1 کلات کے اندر DAG ہیں, باقی مکران کے اندر میں نے SSP کو چارج دیا ہے, سبی میں SSP کو چارج دیا ہے, نصیر آباد میں SSP کو چارج دیا ہے, جوب میں میں نے SSP کو چارج دیا ہے, کیونکہ کام میں نے بہرحال چلانا ہے اور وہ جو ویکیوم ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ایسے خالی, ہم اس کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کام جو ہے, یہ جو پوزیشنز خالی ہیں مولانا صاحب, یہ پھر یہ کیا طریقہ کار ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو فل کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کو فل کرتا ہے, کیونکہ یہ کوئی آج کی کیفیت نہیں ہے, آج تو سب سے بھیانک کیفیت ہے, لیکن 2013 سے ہی یہ چل رہا ہے کہ آپ کے پاس ریکوزٹ آفیسرز نہیں ہوتے, لیکن اب کس کو کرنا ہوتا ہے, یہ کون اپنا کام نہیں کر رہا اور یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بنیادی طور پہ دیکھیں ہمارے پاس جیسے آپ نے ابتدا میں بتایا کہ 119 کے قریب PSP 119 کے قریب ہمارے پاس سینئر رینک میں آفیسرز ہونے چاہیے, گریڈ 18, 19, 20 اور 21. اس میں جو کرٹیکل لیول ہے وہ میرا گریڈ 18 اور 19 ہے, اور 20 کے بھی میرے پاس اگر 50% آفیسرز بھی آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کام چل سکتا ہے, لیکن 18 اور 19 نے گراؤنڈ کے اوپر ڈسٹرکٹس کو سنبھالنا ہے. 119 میں سے 40% کوٹا جو ہے بلوچستان کا اپنا پروونشل پولیس آفیسرز کا ہے, وہ 119 میں سے 40% کوٹا 45-46 لوگوں کا بنتا ہے, وہ سارے کے سارے موجود ہیں. باقی جو 119 میں سے 73 کا کوٹا ہمارے فیڈرل آفیسرز کا بنتا ہے, ان فیڈرل آفیسرز کے 73 میں سے صرف 14 میرے پاس موجود ہیں, باقی تقریباً کوئی 59-60 جو کمی بنتی ہے وہ ساری کے ساری ان آفیسرز کی ہے
जो फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं, जिसमें पंजाब से, सिंध से, केपीके से लोगों ने आना है और आके अपनी अपनी पोजीशंस लेनी है। इस सिलसिले में एक पॉलिसी भी बनी हुई है और उसमें पंजाब, सिंध, केपीके के ऑफिसर्स जिन्होंने अपने सूबे से बाहर नौकरी नहीं की, उन्होंने आके यहाँ सर्विस 2 साल की अपनी करनी है एंड दे आर सपोज टू गो बैक आफ्टर दैट। बट अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिसी, चूँकि ऑफिसर्स यहाँ पर विलिंग नहीं है आने के लिए, तो इस वजह से वो कुल्ली तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। हमने फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच जरूर किया है। ये कैसे हो सकता है, एक हालत जंग में है हम दहशतगर्दी के खिलाफ, रियासत कैसे काम करेगी अगर के ये जो कमी है ये पूरी नहीं हो पा रही और ऑफिसर्स नहीं आ रहे, तो उसकी कोई वजह है, तो उसके भी कोई डिसिप्लिन होता होगा। फिलहाल ये बताइएगा जो इस वक्त आपका मसला है, जो ये हज़ारा ट्राइब का जो इस वक्त एक प्रोटेस्ट चल रहा है, कल इंटीरियर मिनिस्टर आए थे और वो उसमें शायद ये मसला रिजॉल्व नहीं हो सका, क्या स्टेटस है इसका भी? इस वक्त क्वेटा शहर में कोई 4 मुख्तलिफ मकामात पे सिटिंस इनके धरने जारी हैं। एक वेस्टर्न बाईपास के ऊपर है, कोई 1000 के करीब उनकी तादाद है। एक बलूचिस्तान असम्बली के बाहर धरना है जिसकी क़यादत जो है एक सूबाई वज़ीर आगा रज़ा साहब खुद कर रहे हैं। एक धरना जो है वो प्रेस क्लब के ऊपर है जिसके ऊपर एक खातून है जलीला हैदर एडवोकेट, वो क्या कर रही हैं, वहाँ चंद लोग हैं। और चौथा जो है वो अलमदार रोड के ऊपर यानी मरियाबाद के अंदर है। इनके साथ बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने इनको एडवाइस किया है कि मज़ीद इस तरह से यहाँ बैठना, धरना लगा के ख़तरे से खाली भी नहीं है, उसको हमने प्रोटेक्शन दी हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर हमने इनको ये प्रोटेक्शन दी तो नेचुरली हमने पुलिस को मुख्तलिफ ड्यूटियों से पुल आउट किया, प्रोटेक्शन को रोड के ऊपर दे दी। अब अगर ये धरना ख़त्म करके अपने अपने जो भी घर हैं वहाँ चले जाते हैं, तो उस पुलिस को जो हमने इनकी प्रोटेक्शन पर लगाई है, हम उनको उस काम पर लगा सकते हैं जो कि होना चाहिए और जिसके लिए इन्होंने धरना दिया है, यानी इनके टारगेट किलर्स जो हैं या इनको, इन लोगों को शहीद करने के जो जिम्मेदार हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, उन तमाम को गिरफ्तार करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इसमें लगे हुए हैं, कामयाबी भी हो रही है, लेकिन अब इस पुलिस को इंगेज किया हुआ है किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर जो कि शायद उससे ज़्यादा ज़रूरी काम हमारे पास मौजूद हैं। होपफुली आज इनमें से 2-3 मकामात का धरना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारी निगोसिएशन चल रही हैं और अगर बेटर सेंस प्रिवेल करती है, इनकी लीडरशिप जो है वो हमारी बात को समझती है और हमें मौका देती है कि हम अपनी मज़ीद ड्यूटीज़ जो हैं उसको परसू कर सकें, तो वो बाकी धरने भी ख़त्म करें। क्योंकि बात यह है कि आज 2018 के 4 महीने हो चुके हैं, इन 2018 के 4 महीनों में टोटल 59 किलिंग्स हुई हैं। 59 में से 9 जो हैं वो हज़ारा जो इन कम्युनिटी हैं उनके लोग हैं, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी तादाद 33 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए हैं, 4 हमारे एफसी वाले शहीद हुए। तो मिला के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अगर हम कहें तो 33 + 4 इट इज़ 37% हु बीन किल्ड फ्रॉम द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। 9 लोग हज़ारों के शहीद हुए हैं, बहुत अफसोस है, उसके ऊपर एक्टिविटी भी चल रही है। लेकिन अगर इसी तरह से ये 37 एफसी और पुलिस के लोग जो हैं ये भी कहें कि जी हम फैमिलीज रोड पे आ जाती हैं और हंगामा करती हैं और हड़ताल करती हैं और धरने देती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत वाइज अप्रोच नहीं है। हमें हालात को देखते हुए और अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि सक्सेस उसी वक्त हो सकती है, ये जो कहना है कि आर्मी चीफ आए और वो उनसे बात करेंगे, ये कैसे होगा? ये तो एक बयान तो है, मुतालबा तो है। देखें ये डिसीजन नेचुरली सीनियर लेवल पे होना है। मैं इसके बारे में अपनी बात, अपने ख्याल का इजहार इसमें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम जो इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, अल्टीमेटली अश्योरेंसेस जितनी भी दी जा रही हैं, काम सारा का सारा ग्राउंड के ऊपर लोकल हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने करना है, एफसी ने करना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने करना है। अश्योरेंसेस कोई भी आके दे, नेचुरली हमें डायरेक्शन देंगे और डायरेक्शन के बाद हमने काम वो उसी तरीके से करना है। और अगर हमें मौका जिस तरह से हमें अब तक मिलता रहा है, कामयाबियाँ भी होती रही हैं, तो हम समझते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह कामयाबी होती रहेंगी। बुनियादी चीज़ देखने की यह है कि क्वेटा में ये सारा कुछ हो क्यों रहा है।
क्वेटा हम बॉर्डर से घंटे के डेढ़ घंटे के फासले पे बैठे हुए हैं, हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, और उनको हम कंट्रोल मैनेज करने के लिए बॉर्डर की फेंसिंग भी चल रही है, बॉर्डर की जो ट्रेंचेस हैं उनकी डिगिंग भी हुई है, और इसके अंदर कल इंशाल्लाह आप देखेंगे मीडिया कवरेज भी उसकी होगी, एक ईगल स्क्वाड हमने रोल आउट कर रहे हैं, पास आउट हो गया है, 3-4 महीने आर्मी ने उसको ट्रेनिंग दी है, और आर्मी की, पुलिस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सबकी बहुत ज़्यादा जॉइंट एफर्ट है कि शहर के अंदर अमन लेके आएं, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हमें ज़रूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब मौजूम जान अंसारी। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि वफाक को करना है और पाकिस्तान के निज़ाम को करना है, पंजाब बलूचिस्तान को पुलिस ऑफिसर्स देने हैं, आधे से ज़्यादा सीनियर पुलिस ऑफिसर्स नहीं हैं उस फोर्स के जिसके सैकड़ों अहलकार आला सतह से लेकर नीचे तक अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। सिर्फ इस साल 33 पुलिस अहलकारों की जाने गई हैं, 4 FC अहलकारों की जाने गई हैं। ये बलूचिस्तान का बहरान और इसके मजीद जो एलिमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे। बलूचिस्तान के एक साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हमारे साथ होंगे, चौधरी मोहम्मद याकूब, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हम तफसील से आपसे बात कर रहे थे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान में बलूचिस्तान क्यों पीछे नज़र आता है, वो सक्सेस स्टोरी जो दूसरी जगह नज़र आती है बलूचिस्तान में क्यों नज़र नहीं आती, और फिर उस बहरान की हमने बात की तफसील से जो कि बलूचिस्तान की पुलिस जो दहशतगर्दी के जंग में फ्रंट लाइन का हिस्सा अदा कर रही है उसमें जो शदीद तरीन बहरान का इस वक्त सामना है जिसका कौमी क़यादत कभी जिक्र नहीं करती, उसके हवाले से हमारी बात हुई है, उस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान से ही बलूचिस्तान में पुलिस को लीड किया है तवील अरसे तक साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बलूचिस्तान जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, फरमाइएगा। एक बहुत ही ट्रेजिक और एक क्राइसिस सिचुएशन बलूचिस्तान में लग रही है कि जो PSP ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज हैं आधी से ज़्यादा खाली हैं, एडिशनल IGs, DIGs, SPs, और किस तरीके से ये काम चल रहा होगा आपके नज़दीक, इसकी वजह क्या है और इसके असरात क्या हैं जो ये इस वक्त सिचुएशन है, और फिर वो पुलिस जो कि हज़ारों लोगों की कुर्बानियां, अपने अहलकारों की कुर्बानियां दे चुकी है, सिर्फ इस साल में 33 लोगों की उनकी जानें जा चुकी हैं, ये मेरे नज़दीक तो एक पुलिस का क्राइसिस है बलूचिस्तान में। कमरान साहब, बात यह है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और जिस तरह आपको IG बलूचिस्तान ने बताया है वहाँ पे आम तौर पर पुलिस ऑफिसर्स जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं कोई जाना नहीं चाहता, और जब वो प्रेशराइज़ करते हैं और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर यूज़ करते हैं तो उस वक्त वो उनके ट्रांसफ़र्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि इन असामियों को पुर करें, जब तक वहाँ पर उन असामियों को पुर नहीं किया जाएगा, जब तक वहाँ पर ऑफिसर्स की तादाद पूरी नहीं हो गई, मैं समझता हूं उस वक्त तक अच्छे तरीके से चौधरी साहब इसके लिए क्या किया जा सकता है। आफ्टर ऑल एक वॉर लाइक सिचुएशन है, ऑफिसर खुद तो नहीं डिटरमिन कर सकता कि वो जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन उसके भी जेन्युइन मसाइल हैं, जेन्युइन इश्यूज हैं, कितने लोग वहां पे जाने जा चुके हैं, तो इसका बहरहाल आपके नज़दीक क्या हाल है? देखिए, बात यह है कि पुलिस को बहर सूरत यह एक मुश्किल सूरत हाल है, ये इसी तरह की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी और खैबर पख्तूनख्वा ने उसे बहुत खातरख्वाह तरीके से उसके साथ उसको निपटा। मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के अंदर भी बड़े मुश्किल हालात हैं और बलूचिस्तान के अंदर वहाँ पे फैसिलिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है, उस फैसिलिटीज़ को फेडरल गवर्नमेंट को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर्स को जो वहाँ पर जाते हैं। एक तो वो अपनी जान के ऊपर खेल के वहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं, और दूसरा ये है कि वहाँ पर उनकी रहाइश, उनके अलाउंसेज, उन्होंने अगर छुट्टी पे जाना है, वापस आना है पंजाब में या फ्रंटियर में या सिंध के अंदर, तो उसके लिए आने जाने की सहूलियात वो अपने पास से इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ इस किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ओवरऑल हमने देखा है कि जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन 10 साल से ज़्यादा अरसे से चल रहा है, उसका नाम ऑपरेशन रद्दुल फसाद है, उसके बड़े पॉजिटिव असर हमें पूरे पाकिस्तान में भरपूर तरीके से नज़र आते हैं। बलूचिस्तान उसकी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं बन पा रहा, वहाँ पर क्यों उसके वो असरात, वो पॉजिटिव माहौल नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वहाँ पर तो ऑपरेशन कुछ नाकाम सा होता नज़र आ रहा है, इसकी वजह क्या है?
देखिए बलूचिस्तान बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक तो बलूचिस्तान में पुलिस के लिए डिफ़िकल्टी ये है कि बलूचिस्तान को तकसीम किया हुआ है ए और बी एरियाज़ के अंदर। पुलिस जो है ये जो टेररिस्ट है वो कुछ शहरों के अंदर ओपन तरीके से तो नहीं ठहरेगा, चुनाचे वो दूर दराज इलाकों के अंदर जाके देहाती इलाकों के अंदर और वो इन पहाड़ों के अंदर अपने आप को पनाह ले लेते हैं। पुलिस के लिए वो इनएक्सेसिबल एरिया है चूँकि वो बी एरिया है। मैं समझता हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक फ़ैसला किया गया था और उस फैसले को बाद में रिवर्स कर दिया गया, पुलिस की अगर इनग्रेस और पुलिस की वहाँ पर एक्सेस को ठीक करना है। अब इस वक्त वहाँ पर यह है कि लेवीज़ जो है वो अनट्रेंड अनएजुकेटेड फोर्स है जिसको कुछ अभी इतने सोफिस्टिकेटेड क्राइम और टेररिज्म के क्राइम का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। और वहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई होगा तो किसी जगह पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो एफसी के साथ वहाँ पे ऑपरेशन कर लेते हैं। एफसी की लिमिटेशंस ये हैं कि एफसी ऑपरेशन तो कर सकती है लेकिन शहरियों के साथ मिलके वहाँ से इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ एक तो बहुत बुनियादी बात यह है कि बी एरियाज़ को कन्वर्ट करके ग्रेजुअली ए एरिया कर दिया जाए ताकि पुलिस के लिए जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात कम हो जाएं। दूसरा ये है कि बलूचिस्तान की प्रॉक्सिमिटी जो है वो साउथ ऑफ अफगानिस्तान के साथ जो है और वहाँ से वो लोग टेररिस्ट वहाँ से मूव करके वो उधर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जो मेरे नॉलेज में बात आई है वो ये है कि लश्करे जंगवी जिन्होंने हज़ाराज को टारगेट किया था हमेशा से वो करते आए हैं, अब क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया गया वहाँ पे, लश्करे जंगवी जो है वो दाएश का हिस्सा बन गई अब और वो दाएश के साथ मिलके ये सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनका कितना नंबर है, 15 है, 20 है, 25 है, जितने भी लोग हैं वो उसके ऊपर इंटेलिजेंस कलेक्ट करके सही तरीके के साथ ऑपरेशंस किए जाएँ। वो इतने समझदार अब हो गए हैं और उनको भी इस बात की समझ आ गई है कि वो टेलीफोन के ऊपर या मोबाइल के ऊपर बात नहीं करते, वो नेट का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने आप को उन्होंने महफूज बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके ढूंढे हुए हैं। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी मोहम्मद याकूब, साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हमारे साथ थे, बलूचिस्तान के मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस भी थे। बलूचिस्तान में पुलिस के मामला जो है एक बहरान की शिकार है। कौमी सियासतदान जिस अंदाज से बलूचिस्तान में सैनट के इलेक्शन में एक्टिव हुए थे, इसी अंदाज से अगर ये जो सबसे बड़ा मसला है पूरी पुलिस फोर्स का मसला है इसके मसाइल के हवाले से एक्टिव हो जाएँ तो कम अज़ कम इस दहशतगर्दी की जंग में बलूचिस्तान में भी हमें वो कामयाबी मिल सकेगी जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में मिल रही है। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब शहबाज शरीफ ने आज बड़ा गिला किया है कि अकाबी निगाहें चाहे वो नैब की हों या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हों उसकी सिर्फ मरकज़ जो है वो पंजाब हो गया है, दूसरी जगहों पर जहाँ पर करप्शन भी हो रही है और दूसरे मामला भी हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है और जान के पंजाब को ही सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। मुस्लिम लीग नून के सदर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त परेशान नज़र आते हैं, तज़ज़ुब का शिकार हैं और उनका ख्याल यह है कि नैब ने अपनी उकाबी नज़रें अब पंजाब पर जमाई हुई हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब की हर चीज़ का गहराई से नोटिस ले रही है। आज ऐवान इकबाल लाहौर में खुद रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज़ों की तकसीम के मौके पर शहबाज शरीफ ने रियासती इदारों से सवाल किया कि करप्शन ख़त्म करना है तो सबका एहतसाब होना चाहिए, मुल्क में दोहरा मेयार नहीं चल सकता। शहबाज साहब की ये बात इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और ऑब्जर्वर्स भी कहते हैं कि इसमें वजन ज़रूर नज़र आता है। हालिया दिनों में हमने देखा है कि नैब का फोकस एकदम तेज़ी से पंजाब में बढ़ गया है, पंजाब के हवाले से नैब की कारकर्दगी किसी भी दूसरे सूबों से कई गुना ज़्यादा नज़र आती है, वहाँ पर एक्टिविटी भी ज़्यादा नज़र आती है, उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फोकस पंजाब के हवाले से कहीं ज़्यादा है। गुज़िश्ता 3 दिन की भी जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है उससे वाज़ेह तौर पर लगता है और इससे पहले हर वीकेंड पर जो कार्रवाइयाँ होती हैं पंजाब बहरहाल इस वक्त फोकस है इदारों का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो चाहे नैब हो या कोई और इदारे हों। आज जनाब शहबाज शरीफ ने इसका बड़ा गिला किया। जो नैब है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो उसका सूरज पंजाब की धरती पर वो पूरे जोरों शोर से वो चमक रहा है। नैब का जो सूरज है आप जानते हैं और अदालत आज अदालत कुशवाहा भी हर चीज का बड़ी
गहराई में जाके नोट्स ले रही है, तो इन तमाम जो जो बहुत पावरफुल ऑर्गन्स हैं स्टेट के, उनकी जो अकाबी जो नज़र इस पर पंजाब के ऊपर फोकस किए हुए हैं, अगर मेरी जात के खिलाफ एक धेले की करप्शन हो तो आपका हाथ होगा मेरा गरीबान का। और दूसरी तरफ नैब और दूसरे जो आला इदारे वो अगर खोज लगाने के लिए आज अगर प्रोएक्टिव हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं, मगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि एक तरफ आप करप्शन को आप इग्नोर करें और कोई पूछे ना, और दूसरी तरफ अकाबी नज़रों से आप हर चीज़ देखें। लिहाजा अगर आपने करप्शन का खात्मे का ठेका उठाया है और जिम्मेदारी उठाई तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसको अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। यकीनन इस वक्त ऑब्जर्व यही किया गया है कि सिंध के मामलात में नैब की वो एक्टिविटी नहीं है, वो अंदाज़ नहीं है जो अब से एक साल पहले देखने में आता है, और बल्कि सिंध में ऐसा लगता है कि नैब किसी दूसरी जानिब देखने की कोशिश कर रही है। पंजाब के हवाले से बहुत अहम केसेस हैं जो नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, मिसाल के तौर पर साफ पानी कंपनी समेत पंजाब की 56 लिमिटेड कंपनीज के मामलात हैं, कायद अजम सोलर पार्क में के मामलात हैं, और कहा यह जा रहा है कि इन इन्वेस्टिगेशंस के फोकस खुद जनाब शहबाज शरीफ हैं। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग स्कीम का स्कैंडल भी अब नैब की तहकीकात से निकलकर तफ्तीश के मरहले में दाखिल हो रहा है। इंतहाई अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस बी एम साकिब निसार ने पिछले 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुबह 8 बजे से रोजाना 12-12 घंटे केसेस की समाअत की। इसी दौरान उन्होंने साइलीन की 650 दरख्वास्तों पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब के को अहकाम जारी किए, और ये बड़ा मकबूल अमल है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया, क्योंकि जिन साइलीन के मामलात को उन्होंने एड्रेस किया, इसकी समाअत की, यकीनी तौर पर वो उस पर बहुत ही उनमें इत्मीनान की लहर दौड़ी है। इसी दौरान चीफ जस्टिस जनाब मियां साकिब निसार करप्शन और बेजाबतगियों के खिलाफ 24 से जायद असखुद नोटिस की समाअत कर रहे हैं। 24 केसेस हैं जिसका सो मोटो नोटिस लिया है खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और शायद जो जनाब शहबाज शरीफ आज दबेल अल्फाज में गिला कर रहे थे तो शायद उनका ख्याल या उनका इशारा उन्हीं 24 असखुद नोटिस के हवाले से है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के मामलात में लिए हैं। इनमें पाकिस्तान रेलवे में खसारे के मामलात हैं, पंजाब की 56 लिमिटेड कंपनीज के मामलात हैं, पंजाब के महकमे सेहत की नाकिस कारकर्दगी पर इल्ज़ाम हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के VCs के मेरिट के खिलाफ तकरूरी, शादी हॉल्स की गैर कानूनी तामीरात, पंजाब लैंड अथॉरिटी के घपले हैं, मुबैना घपले हैं, सरकारी अफसरान की भारी तनख्वाहों और महंगी गाड़ियों के खिलाफ केसेस शामिल हैं, और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं उस इन्वेस्टिगेशन में या इंक्वायरीज में जो कि इस वक्त एक जानिब नैब में जारी है और जिसकी असखुद समाअत खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, जिसका आज गिला किया है जनाब शहबाज शरीफ ने। इस मौजू पे हम बात करते हैं, इसकी मेरिट को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सियासियात और स्ट्रेटेजिक उमूर के उस्ताद प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस, और हमारे साथ मौजूद है लीगल अफेयर्स के हमारे दुनिया न्यूज़ के एक्सपर्ट और एनालिस्ट जनाब बैरिस्टर साद रसूल। बहुत बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरी सिचुएशन। आज एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा गिला किया है, और अब ये क्योंकि हम इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुके हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, यकीनन इस किस्म के तमाम मामला जो हैं वो इलेक्शन के प्रॉस्पेक्ट्स पर असरअंदाज होते हैं, इसीलिए आज जनाब शहबाज शरीफ के गिले में काफ़ी दर्द नुमाया था। आपको मेरिट नज़र आती है उनके गिले में? मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आती, इसीलिए कि माजी में किसी भी सियासी पार्टी या कायदीन के ख़िलाफ़ जब करप्शन के केसेस मीडिया में आए तो उन्होंने कहा कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, अदालतों में लोग गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। यह फरसूदा और पुरानी ज़बान है जो करप्शन को छपाने के लिए हमेशा इस्तेमाल की गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ शहबाज शरीफ करप्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन ये जो एहतसाब ब्यूरो के इससे पहले के चेयरमैन थे उन्होंने पंजाब के केसेस को दबा के रखा हुआ था। सिंध के बारे में कभी कभार कोई केस आ जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि 4 साल 5 साल ये एहतसाब ब्यूरो बिल्कुल छुट्टी पे चला गया है, मुंजमद हो गया है, और सिर्फ उन लोगों के ख़िलाफ़ जो पटवारी हैं, जो पुलिस के लोग हैं, मामूली नौयत के जिन्होंने जराइम किए हुए हैं, उनकी पकड़ धकड़ हो रही थी। जब पंजाब में यह मामला खुला है कि सैकड़ों अरबों रुपए की यहाँ पे घपले हैं, यहाँ पे रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म रहा है, जब उन्होंने
वो जो नए चेयरमैन हैं नैब, उन्होंने फिर यहाँ पे इसमें मामला ये है कि जो हिस्ट्री रही है, अब ये नैब है, इससे पहले एहतसाब ब्यूरो थी, और फिर जब से ये इदारा कायम हुआ है, जनरल मुशर्रफ ने जब से इसको कायम किया है, जब से ख्याल यही है और इसके वाज़े सबूत मौजूद है कि जो हुक्मरान वक्त है या उस वक्त की जो मजबूत थिंकिंग है, उसने इसको इस्तेमाल किया है अपने पोलिटिकल मकासद के लिए। तो उस बैकग्राउंड के अंदर ऐसा लगता है कि क्योंकि अब PMLN जो है ज़ेरे अताब है, तो इस वक्त नैब की जो एक्टिविटी है दरअसल ये उसकी एक्सटेंशन है या उसका हिस्सा है। मेरिट और नो मेरिट की एक अलग बात है, लेकिन एक जो माहौल है और जिसमें इदारे इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर नैब इस्तेमाल हुआ है हमारी पूरी हिस्ट्री में, कभी कभी लगता है कि शायद ये उसका एक्सटेंशन है जो कि मौजूद है, क्योंकि अचानक नैब का फोकस सिंध से हट गया है। नहीं, मेरा ख्याल में सिंध से भी हटना नहीं चाहिए, सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अगर मुल्क के अंदर कोने कोने में करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, अदलिया में भी है, सियासी जमातों में भी, हर जगह के ऊपर अगर करप्शन है, तो एक नैब का इदारा तमाम हज़ारों केसेस एक दफ़ा कोई खोल सकता है? उसका कानून है, उसका एक तरीका कार है, पहले कोई तफ्तीश होती है, मालूम होता है कि क्या ये करप्शन हुई है, उसके बारे में शवाहद मौजूद हैं, आगे हम चल सकते हैं, ये एक मरहलावार चीज़ होती है। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं या कोई और कहता है कि सब का एहतसाब होना चाहिए, तो इसमें तो कोई दो आरा बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, सब लोगों के बारे में बैरिस्टर साहब आप बताइएगा, आपको कुछ अदालती मामलात की भी आगाही रहती है, जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस और ये रेफरेंसेस या इस किस्म की चीज़ें जो फाइल होती है वो भी आप होते हैं, और आप पोलिटिकल सिचुएशन भी देखते हैं, आपको कोई मेरिट नज़र आता है शहबाज शरीफ साहब की इस आज के गिले में, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से करें, आज कुछ ज़्यादा गुलगुई आवाज़ थी उनकी? खान साहब, सबसे पहली बात यह कि मेरे ख्याल में कि हम सब का इस पर इत्तफाक है कि एहतसाब का अमल होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, दीगर प्रोविंसेस में भी होना चाहिए, एहतसाब का अमल इस मुल्क के अंदर होना ज़रूरी है, हमारी सियासत के लिए भी, हमारी रियासत के लिए भी, हमारी आवाम के लिए भी। लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में रसूल बख्श रही साहब से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि ये बात कम अज़ कम हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इस वक्त नैब का फोकस पंजाब के अंदर ज़्यादा है बतौर सिंध। अच्छा, ये जो एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट का की बात जिस तरफ शहबाज शरीफ साहब ने बात की, ये अब से पहले सिंध वाले भी करते थे। जब पंजाब में एहतसाब नहीं हो रहा था और नैब की कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उस वक्त सिंध के अंदर बहुत से पॉलिटिशियंस इसी तरह की बात करते थे। आपको याद होगा शर्जील मेमन साहब की एक स्पीच है सिंध असेंबली के अंदर कि हमारे ऊपर रेफरेंस फाइल होता है तो फौरन अरेस्ट कर लिया जाता है, और पंजाब के अंदर नैब के रेफरेंसेस चल रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की इम्तियाजी सलूक की एलिगेशन पहले सिंध से आती थी, अब पंजाब से आ रही हैं। नैब के अंदर नैब हमारी इफेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन एक अदालती प्रोसेस की एक्सटेंशन है, जहां के नैब इन्वेस्टिगेट कोई काम करती है, अदालत उसके ऊपर फाइनली फैसले करती है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि गैर जानबदारी की जो इम्प्रेशन है वो अदालती अमूर के अंदर भी और इन्वेस्टिगेशन के अमूर के अंदर भी हर तरफ रहें। नैब के ऊपर अगर ये एलिगेशन लगाई जा रही हैं तो नैब को उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस वजह से नहीं कि पंजाब में साद रसूल साहब, मैं जैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा है, नैप का केस चल रहा है और उनका करप्शन रेफरेंस है, मगर जिस अंदाज से वो चल रहा है, उसमें 56 कंपनी स्कैंडल था, रेलवे था, वाइस चांसलर के इश्यूज थे, दीगर इश्यूज थे, 56 कंपनी स्कैंडल जो कि दुनिया टीवी ही की रिपोर्टिंग के थ्रू सामने आया, हमारा चैनल उसको सबसे बेहतर उसको फॉलो अप भी कर रहा है। वो जब भी नैब की अदालत में जाएगा तो वो एक स्कैंडल नहीं है, वो 56 मुख्तलिफ रेफरेंसेस फाइल होंगे, मतलब हर कंपनी का अलहदा रेफरेंस फाइल होगा, तो पंजाब के अंदर एहतसाब का प्रोसेस मजीद एक्सपैंड करेगा। नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर थोड़ा सा मुख्तलिफ बात है, नवाज शरीफ साहब का केस बाकी नैब के केसेस की तरह एक कंप्लेंट से या इंक्वायरी से या इन्वेस्टिगेशन से शुरू नहीं हुआ, वो पहले सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक JIT कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसके बाद एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के तहत चल रहा है। वो केस बाकी तमाम नैब के केसेस से जो पंजाब के अंदर भी इस वक्त नैब के केसेस चल रहे हैं वो भी डे टू डे नहीं चल रहे, जो 56 और वो है वन एंड ओनली केस, वो वन एंड ओनली केस है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की खास डायरेक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, उस मॉनिटरिंग जज की, उन मॉनिटरिंग जज साहब की तैनाती के बाद वो सुना जा रहा है। उसका मुआवजना मेरा ख्याल है कि बाकी के नैब के केसेस से करना थोड़ा सा रसूल मिश्र रईस साहब, आप बताइएगा कि जैसे कि अभी थोड़े दिनों पहले पीपल्स पार्टी को शिकायत होती थी कि हमारी तरफ ज्यादा फोकस है, अब नून को शिकायत है, नून लीग को शिकायत है,
हम पूरे माहौल की बात कर रहे हैं। एक ही चीज़ इससे साबित होती है, रिफ्लेक्शन उसका आता है, वो ये कि ये टोटल आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारे की आवाज़ नहीं लगती, इसमें कुछ और मामलात लगते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। माहौल और वक्त की बात है, जरदारी साहब ने जब ईंट से ईंट बजाने की बात की तो उसके बाद उनकी पार्टी की यहाँ नैब ने ईंट से ईंट बजा दी और दूसरे इदारों ने भी बजा दी। अब क्योंकि वो करीब हो गए तो लगता यह है कि वो उनकी ईंट से ईंट जुड़ गई है और दूसरी जगहों पर जहाँ पर जो अब इदारों को चैलेंज कर रहे हैं उन पर लर्जा तारी हो गया है। माहौल इस बात की गवाही देता है कि ये टोटल इंडिपेंडेंट मामलात नहीं होते, ये खालिसतन मेरिट के मामलात नहीं हैं। खान साहब, आपने बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, करप्शन की गजब कहानी सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा आपने किए हैं, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने किए हैं, और जहाँ कहीं भी किसी भी सहाफ़ी ने, किसी दानिशवार ने पाकिस्तान में खोज लगाने की कोशिश की है कि कितना करप्शन है, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन उन ममालिक की फहरिस्त में सरे फहरिस्त है जो करप्ट तरीन है। लेकिन कितना सियासतदान है, कितना ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो जेलों के अंदर हैं। हम तो एक मजबूर काम हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि एहतसाब के इदारे को बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये की गई है दोनों पार्टीज़ के दरमियान, ये एक मुआहदा था, ये जमहूरियत का इंतकाम था कि उन्होंने, दो पार्टियों ने मिल के, और पता था कि कौन है, पीपल्स पार्टी और PMLN, कि मिल के हम एहतसाब का चेयरमैन हम लगाएंगे, जो उन्होंने कमरुज़मान साहब चौधरी साहब को लगाया था, उसका हशर आपने देख लिया कि क्या हुआ। अब यह है कि जो हमारी इंतज़ामिया हमेशा रही है, ना सिर्फ इसको अपने तहत अपने मातहत करना चाहती थी एहतसाब के अमल को, बल्कि अपने मुखालफिन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि करप्शन नहीं की गई, बल्कि यह हुआ है कि पिछले 5 साल में तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो मफाहमत की सियासत थी उसके तहत ये किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस खोले ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ले गए, जहाँ कोई ख़त्म हो गया केस ख़त्म हो गया, सारे केसेस में वो सारे जो जिनके खिलाफ इल्जाम थे संगीन केस, ये तो ऊपर ही होते चले गए। अब जो माहौल की तब्दीली है, जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, ये फरमाइए, मैं ये आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि जो माहौल बदला है वो ये इस लिहाज से है कि जो पैगाम है माशरे की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, और जो मुख्तदर इदारे हैं उनकी तरफ से भी, अदलिया को भी और एहतसाब को भी, कि आप बिल्कुल आज़ादी के साथ एहतसाब करें जो भी, जिसके खिलाफ भी करप्शन के केसेस हैं। अगर आप इससे ये नतीजा निकालते हैं कि कोई इनको इस्तेमाल कर रहा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि इस वक्त इसका जो महवर और मरकज और फोकस है वो पंजाब पे है, और वो पाकिस्तान पे भी होना चाहिए, वो सिंध पे भी होना चाहिए और केपी पे भी होना चाहिए। उसमें एक पुरसरारियत ये है कि वो सिंध से अचानक फोकस हट गया, और अचानक हट गया, और ऐसे ऐसे केसेस जो कि करप्शन के, मतलब आप समझे, मंबा हो सकते हैं, उन पर रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ है, तो उसकी बड़ी स्पेसिफिक एग्जाम्पल मौजूद है। लेकिन मजमूई तौर पे आपकी जो बात है वो 100% मैं उससे एग्री करता हूँ। साहब ये बता दीजिएगा कि मामला तो अभी हम नैब ज़्यादा बात कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फोकस है, और जनाब नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के गिले में वो बात मौजूद है, और आजकल नून लीग का ये नैरेटिव है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन ये कि 24 अस्खुद नोटिस हैं जो खुद चीफ जस्टिस साहब ने पंजाब के हवाले से लिए। देखिए खान साहब, अब से बहुत अरसे से, इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम से ऑनवर्ड्स, एक बात ज़रूर होती आ रही है वकला बरादरी के अंदर भी, जुडिशल बरादरी के अंदर भी, कि अज़ खुद नोटिस लेने के तरीकों को थोड़ा सा डिफाइन, कानूनी तौर पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया जाए। आईन पाकिस्तान के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं आर्टिकल 1843 में, एक के इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, दूसरा ये कि फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हकूक से रिलेट करता हो। लेकिन इसके साथ कुछ और कवानीन, कानून और जवाबित भी इसके इर्द गिर्द रेगुलेट कर दिया जाए, और हमारी आज भी ये इस्तदाए तमाम वकला बरादरी की कि इस तरह होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात है कि क्या उसको अगर हम थोड़ा सा पैराफ्रेज कर लें, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के रिलेटेड अज़ खुद नोटिसेज लिए हैं, क्या उसके अंदर बेजाबतियाँ सामने नहीं आई? क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम ठीक नहीं? क्या ये बातें दुरुस्त नहीं कि वाइस चांसलर्स बेशुमार पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर मेजॉरिटी जो हैं वो आज भी एडहॉक बेसिस के ऊपर चल रहे हैं, एक्टिंग बेसिस के ऊपर चल रहे हैं? तो जो इसका जवाब है, मेरी नाकिस सी राय के अंदर जो इसका जवाब है हुकूमत पंजाब की तरफ से, वो सफाई पेश कर देनी चाहिए या वो इकदाम उठाने चाहिए
चाहिए जिनसे वो खलिश दूर हो जाए जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अजखुद नोटिस ले रही है। ये ऐसी कोई बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अजखुद नोटिस पहले ले रही है फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करवा रही है किसी ऐसे मामले पे जहां पे तमाम चीजें वैसे हुकूमत ने ठीक की। असल मुख्तसर बात यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम, तमाम सूबों का निज़ाम, मरकज का निज़ाम, ये सियासी निज़ाम, ये इतना मेरिट के ख़िलाफ़ है, इसमें इतने बेज़ाब्तगियाँ हैं, इतना गैर शफाफ है, इसमें इसी वजह से बहुत आसानी से करप्शन ढूंढी जा सकती है, करप्शन मिल जाती है। किसी तरफ आप रुख कर लेंगे आपको जीप भर के सबूत भी मिल जाएंगे, शवाहिद भी मिल जाएंगे। असल मसला ये है कि एक जैसा रुख होना चाहिए, एक जैसा वक्त होना चाहिए और एक ही जैसी सोच होनी चाहिए हर वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साद रसूल, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बश रईस हमारे साथ थे। सिर्फ बुनियादी बात यह है कि इदारों को ख़ास तौर पर नैब को साबित करना होगा कि वो वाकई इंडिपेंडेंट इदारा है और उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, जो उसकी तरजीहात हैं, वो वक्त के लिहाज से नहीं होती और वक्त के लिहाज से वो शिफ्ट नहीं होती। आसार यही दिखाते हैं कि वक्त के हालात के लिहाज से वो अपनी प्रायोरिटीज़ बदलती रहती है। कल सिंध की बारी थी, आज पंजाब की बारी है, आज सिंध पे नज़र करम है, आज मगर पंजाब पे उकाबी निगाहें हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम की का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। नासिर।